वेलकम, मैं हूं साक्षी और आप देख रहे हैं टुडेज न्यूज़, जहां होता है एंटरटेनमेंट की दुनिया से डायरेक्ट कनेक्शन। आपको बता दें कि देश भर में अब तक कोरोना वायरस का कहर जारी है। अब तक देश भर में लगभग 10 मिलियन से ज़्यादा केस सामने आ चुके हैं, जिसमें से 9 मिलियन से ज़्यादा लोग इससे ठीक हो चुके हैं। रिपोर्ट्स की माने तो अब तक इस महामारी से लगभग 1,46,000 लोगों की जान जा चुकी है। मुंबई में 22 दिसंबर से 5 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। इस बीच मुंबई एयरपोर्ट के पास स्थित ड्रैगन फ्लाई नामक पब में पुलिस ने छापेमारी की। इस दौरान पार्टी करते हुए 34 लोग के खिलाफ कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए बनाए गए नियमों और नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर केस दर्ज किया गया है। दरअसल सुजैन खान, गुरु रंधावा समेत क्रिकेटर सुरेश रैना जैसे दिग्गजों को कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ते हुए पार्टी करने के आरोप में गिरफ्तार किए जाने की खबर आई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुरेश रैना, गुरु रंधावा और सुजैन खान समेत 34 लोगों पर केस दर्ज किया गया था। इस रिपोर्ट्स के बाद सुरेश रैना और गुरु रंधावा की ओर से सफाई दी गई थी। अब सुजैन खान ने भी इंस्टाग्राम पर बयान जारी कर अपना पक्ष रखा है। सुजैन खान ने अपने बयान में कहा कि वह यह नहीं समझ पा रही है कि आखिर पुलिस ने गेस्ट को इंतज़ार करने के लिए क्यों कहा। बता दें कि सुजैन खान ने कहा कि इस बयान के ज़रिए मैं अपना पक्ष रख रही हूं। मुंबई पुलिस के लिए मेरे मन में पूरा सम्मान है। उनकी लगातार निगरानी के बिना हम लोग सेफ फील नहीं कर सकते। सुजैन खान ने कहा कि लेकिन मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि पुलिस ने क्लब में गेस्ट को 3 घंटे तक वेट करने के लिए क्यों कहा। बता दें कि पुलिस ने JW मैरियट होटल में स्थित ड्रैगन फ्लाई क्लब में रेड की थी। इस दौरान कई सितारे पार्टी करते पाए गए थे। वहां मौजूद लोगों के खिलाफ पुलिस ने सेक्शन 188 के तहत केस दर्ज किया था। हालांकि बाद में सभी को जमानत दे दी गई। Thank you so much. Keep watching for more entertainment news and update.